तो पूरा आप देख सकते हैं ये पूरा वर्क कर रहा है, तो पूरा काउंटर को मैं उठा सकता हूँ इससे, तो पूरा टाइट हो गया। हालांकि ये बहुत खुरदरा है, पर फिर भी पूरा इसका रबड़ जो है वो काम कर रहा है इस पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग दो दो प्रोडक्ट लेके आए हैं। एक टाइल वाइब्रेटर है दो बैटरी वाला, और एक लेजर लेवल है, ग्रीन लेजर लेवल 5 लाइन वाला। तो कैसा ये दिखता है और इसमें क्या कुछ है वो पूरा इसको खोल के मैं दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो पे देखना। कोई और भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है, जैसे कि सैंड लेवलिंग मशीन, प्लस्तर करने वाली मशीन अगर आपको खरीदनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जान लेते हैं पहले इसके बारे में, देख लेते हैं। तो वाइब्रेटर को अभी मैं साइड पे रखता हूँ। तो ये ऐसा बॉक्स में आता है, ग्रीन लेजर लेवल, बहुत ही बढ़िया ये लेजर लेवल है, क्योंकि मैंने तो इसको पहले खोल के देखा हुआ है, तो अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं, तो इसमें लेजर लेवल निकलता है, और एक इसमें यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल में बैटरी के बारे में बताया गया है, कितनी लाइन है, कितनी देर इसको चार्ज लगाना चाहिए, कितनी देर में चार्ज हो जाएगा, तो पूरा डिटेल इस यूजर मैनुअल में दिया हुआ है। तो कैटलॉग में, व्हाट्सएप के कैटलॉग में आप पूरा ये डिटेल देख सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अभी मैं ये लेजर लेवल आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो इस तरफ से ये खुलेगा, इसको ऐसे ऊंचा करना है और ये खुल जाएगा, और ये लेजर लेवल है, काफी बड़ा लेजर लेवल है ये। जो बॉश कंपनी का था वो इतना ज्यादा साइज में जो है इतना बड़ा नहीं है, और ये भारी भी है, मतलब बिना बैटरी के भी इसका काफी वजन है। सेंसर वगैरह बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, और बहुत ही चीज बहुत बढ़िया कंपनी ने बनाई हुई है। तो ये इसके साथ में एक चार्जर आता है, और इसके साथ में ये चार्जिंग वाली बैटरी है, और एक और बैटरी है चार्जिंग वाली, तो इसको चार्ज कर सकते हैं। इसका बैकअप जो है वो एक बार चार्ज करोगे तो 15-20 दिन आपका जो है वो लेजर लेवल निकाल देगा। अगर रेगुलर चलाओगे तो बहुत इसका लाइफ टाइम है, और जल्दी डेड होने वाली नहीं है बैटरी। तो पूरा इस बॉक्स में सेफ्टी से आता है ये। अगर बाय द वे कोरियर में अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है, तो आपको अनबॉक्स करके इसकी एक वीडियो बनानी होती है, तो इसका पूरा एक्सचेंज रिटर्न वगैरह सब होता है। तो ये इसके साथ में एक ग्रीन चश्मा दिया हुआ है। तो अभी मैं लेजर लेवल के फंक्शन दिखाने वाला हूँ। पहले इसको इस साइड पर रखता हूँ। तो ये उठाने के लिए दिया हुआ है, इससे हम लोग इसको घुमा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट इसको किया हुआ है, धीरे जैसे ज़्यादा घुमाएंगे थोड़ा थोड़ा ये घूमता है। और टच स्क्रीन वाले इसके बटन हैं, और मैनुअल भी एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। अभी नज़दीक से दिखाते हैं हम लोग। इसका ऐसा बैटरी रहता है, यह 5000 MHz बताया है इसमें, और 8 वाट का, यानी कि 4.2 वोल्ट का ये बैटरी है। ये आप देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल, और व्हाट्सएप पे आप इसका फोटोज वगैरह देख सकते हैं। हमारे नंबर पे सीधा जाके कैटलॉग पे आपको जाना है, और इसको लगाना कैसे है, इसमें कट बने हुए हैं सीधा बैटरी को इस तरफ से, ऐसे ये लग जाता है। उसके बाद में इसके जो ऊपर बबल दिया हुआ है, ये देखिए आप, इसके ऊपर जो बबल दिया हुआ है इसको आपको सेंटर में करना होता है, क्योंकि अगर इसको वैसे ही ऑन करेंगे आप तो ये बीप करने लग जाएगा, तो इसमें ट्यून होने लग जाता है, तो इसलिए आप इसको पहले लेवल में कर दीजिए। तो ये बहुत ही एक्यूरेसी में होता है। तो ये इसका बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का, तो अभी ये ऑन हो चुका है। अभी दिन का समय है, तो आप देख सकते हैं मेरे ऊपर इसके लाइन आ रही है। अभी इसका वर्टिकली दिखाता हूं। अब ये वाला जो दबाएंगे, जो वी बटन है, तो ये वर्टिकल में ऑन होगा। तो आप देख सकते हैं वर्टिकली में, अभी दिन का टाइम है, पूरा बाहर दोपहर है पूरी, तो पूरा धूप में ये पूरा काम करता है। और पूरा साइड में इसकी आप जैसे मर्जी देख सकते हो, यहाँ पे जैसा कि एक पॉइंट दिखा रहा है वैसे ही चारों तरफ इसके पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग ऑन साइड भी इसका यूज करके दिखाएंगे।
अभी फिलहाल मैं इसके फंक्शन आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप इस साइड में देख रहे हैं, तो ये जो तीसरा बटन है इसको दबाएंगे तो ये ब्लिंक करने लग जाता है, तो पूरा आप टारगेट कर सकते हैं। इसको रोकेंगे तो ये ऐसा काम करेगा। अगर इसको हाइट वाला आपको लेना है तो ऐसे दबाएंगे तो सीधी वर्टिकली एक लाइन में रहेगा, और ऐसे इसका सिर्फ टच बटन दिया हुआ है, जैसे मर्जी आप इससे काम ले सकते हो। और ये वर्टिकली में जो है वो आप लाइंस बंद कर सकते हैं, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और नीचे एक पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखोगे तो रेड कलर का एक पॉइंट दिया हुआ है। तो ये पॉइंट जो होता है, हम लोग जब वॉल टाइल लगाते हैं, जैसे हम लोग वॉल टाइल या फ्लोर टाइल लगाते हैं, तो उस वक्त हम लोगों के ये पॉइंट बहुत काम आता है। तो लेजर लेवल को जिस भी पॉइंट पे हम लोग रखेंगे, जहां पे भी रखेंगे, तो ये पूरा सेंटर दिखाएगा। तो इस सेंटर से हमें जो है, जैसे 2x2 की फ्लोर टाइल लगानी है तो कोना यहाँ पे सेट करके, और इसका जो लेजर का जो सामने की तरफ जो लाइन देख रहे हैं आप, इसको आपको सेटिंग करना होता है घुमा के। तो जैसे आप सेटिंग कर लोगे तो नीचे वाले पॉइंट से लेके ये वाली लाइन जो है लास्ट तक जब जाएगी, तो आप पूरा सीधा देख सकते हो। आपको सूत बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप इसी से अलाइनमेंट कर सकते हो। पूरी लाइन की चाल वगैरह बनाने में आपका बहुत हेल्प होगा। नीचे जो पॉइंट दिया हुआ है बहुत काम की चीज़ है, और इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, टोटल 6 पॉइंट हैं, 5 लाइन का तो ये लेजर लेवल है। तो इसमें आप पॉइंट देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लेजर लेवल है ये। इसको आप चार्ज कर सकते हैं, तकरीबन कंपनी ये बताती है कि इसको आपने 1 घंटा चार्ज लगाना है, ज़्यादा देर चार्ज नहीं लगाना। तो अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ, देखो अगर थोड़ा सा भी ये हिल गया तो ये बता देता है, बीप करने लग जाता है कि आपका लेवल हिल चुका है। तो जब आप सेट कर देंगे 0 लेवल में, इसको सेट कर देंगे तो ये सेट रहेगा। बाकी इसमें एक्यूरेसी होती है पूरी साहल के जैसे। इसके अंदर जो है ये पेंडुलिंग रहता है, लेज़र जो इसकी लटक रही है वो साहल जैसे लटक रही है, तो ऑटोमेटिक ये साहल में रहता है। पर लेकिन अगर थोड़ा सा भी हिलेगा तो ये सेंस करके बताता है कि भाई आपका लेवल हिला है। तो ये बहुत बढ़िया मेरे को लेज़र लेवल लगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसको खरीद सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी मैंने इसको बंद किया, इसका बैटरी जो है ऐसे निकल जाता है। अभी दूसरी बैटरी, जब ये डेड हो जाए बाय द वे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, दूसरी बैटरी को चार्ज करके रख सकते हैं। लेकिन ये 15-20 दिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा अच्छे से वर्क करेगा ये। तो पूरा आप देख सकते हैं, पूरा ओके कंडीशन में है ये। टच स्क्रीन वाले बटन दिए हुए हैं। तो दोस्तों आगे मैं अभी वाइब्रेटर के बारे में बताता हूं। तो अभी इसके बारे में बताता हूँ, ये चश्मा किस काम में आता है। जैसे कि आप धूप में काम कर रहे हो जब, तो उस वक्त आप अगर धूप में काम कर रहे हो जैसे, तो इस चश्मे से अगर आप देखोगे तो पूरा धूप में भी आपको इसका लाइन जो है वो पूरा क्लियरली और पूरा बारीक नजर आएगा। बहुत ही एक्यूरेसी में आप देख सकते हो, पूरा अगर सूरज दिखाई दे रहा होगा ना तो वहां पे भी आप देख सकते हो। जैसे कि मुझे अभी बाहर की तरफ इसका लाइन जो है दिखाई दे रहा है पूरी धूप में। तो ये लेज़र जो है, ये चश्मा जो है, ये भी बहुत काम का है, ये इसके साथ में ही मिलता है। नहीं तो कोई भी ग्रीन जो चश्मा होता है ग्रीन कलर का, वो इसके साथ में वर्क करेगा। तो अभी लेज़र लेवल को करते हैं साइड पे। तो ये आप देख सकते हो, ये वाइब्रेटर अगर आप ख़रीदना चाहो तो इसमें क्या क्या है पूरा आप देख सकते हो। 21 वोल्ट की बैटरी है और वाइब्रेटर बहुत ही बढ़िया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इस तरह का ये वाइब्रेटर है। ये है यूज़र मैनुअल इसका, बैटरी कितना है, चार्जिंग टाइम कितना लेगा, 2 घंटे में ये चार्ज हो जाता है फुल, और पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में इसका सारा डिटेल देख सकती हैं, हमारे व्हाट्सएप कैटलॉग पर जाके। व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी पर आपको संपर्क करना है। अभी आपको नज़दीक से दिखाते हैं, 2 बैटरियां हैं इसमें। अभी इसको मैंने अनबॉक्स किया है, तो आप ये बटन दबा के चेक कर सकते हैं। जैसा कि अभी इसका आप देख रहे हैं, ये इतनी चार्ज है। तो
ये बटन से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं कितनी चार्ज है। जब फुल लाइट दिखाता है तो पूरी फुल चार्ज होती है। तो इसके साथ में ये चार्जर मिलता है, जब चार्ज करोगे इसको तो ये रेड कलर दिखाएगा, जब चार्जिंग फुल हो जाएगी तो ये ग्रीन कलर दिखाएगा। इसके पीछे एक लाइट दी हुई है। और इसके बाद में हम लोग वाइब्रेटर को देखते हैं। ये सेक्शन कप आम वाइब्रेटर से बड़ा सेक्शन कप है इसका, ये चीज बड़ी है। आम जो हमारा 6-7 हज़ार का वाइब्रेटर आता है उससे बड़ा रबड़ है इसका। और इसमें लीवर भी दिया हुआ है अगर टाइट करना होता है जैसे सेक्शन कप, क्योंकि ज़्यादा वाइब्रेशन देनी होती है तो इसको टाइट करके ही हम लोग वाइब्रेशन दे सकते हैं, नहीं तो ये वाइब्रेटर जो होते हैं ये ऊपर से ही दबाएंगे। अगर इसको पूरा आपने टाइट करके दबाया तो जैसे मर्जी टाइल को उठा भी सकते हो, लगी लगाई टाइल जैसे है। अगर मान लीजिए 1-2 घंटा हुआ है टाइल लगे को, दोबारा से आपने सेटिंग करना है तो टाइट करके टाइल को वाइब्रेशन दे के आप उठा सकते हो, पूरा मसाला नीचे छोड़ देता है। तो अभी इसको चला के दिखाने वाला हूँ मैं। तो इसमें एक ये बैटरी है और एक ये बैटरी है, दो बैटरियां मैंने दिखा दी हैं। इसको लगाना कैसे है आप देख सकते हो वीडियो में। ये पूरा जब लॉक फंस जाता है तो ये बैटरी लग जाती है। तो अभी आप देख सकते हो इसका कंट्रोलर जो है वो इसी बटन के अंदर दिया हुआ है, ताकि दूसरे हाथ की जरूरत ही ना पड़े। नहीं तो पहले वाले वाइब्रेटर में यहां से कम ज्यादा करनी पड़ती थी स्पीड, तो दूसरा हाथ भी लगाना पड़ता था। अभी क्या है, जितना आपको वाइब्रेटर देना है, वाइब्रेट देनी है, उतना ज्यादा आप एक ही हाथ से कंट्रोल करते हैं। ज्यादा देना है ज्यादा दबाओ, तो बहुत ज्यादा इसकी वाइब्रेशन है। तो इसको मैं साइड पे रखता हूं। तो पूरा आप देख सकते हैं ये पूरा वर्क कर रहा है। तो पूरा काउंटर को मैं उठा सकता हूँ इससे, तो पूरा टाइट हो गया। हालांकि ये बहुत खुरदरा है पर फिर भी पूरा इसका रबड़ जो है वो काम कर रहा है। इस पे कंट्रोलर इसी में है, जितनी मर्जी स्पीड आप इसमें बढ़ा सकते हो। और इसकी गारंटी वारंटी सब मिलेगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कॉल करके आप बता सकते हो, इसको आप खरीद सकते हो निश्चिंत होकर के। बहुत बढ़िया वाइब्रेटर है। अभी इसका मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हो दोस्तों, तो ये अभी जो कीमत इसकी चल रही है 8,500 से लेकर के 9,000 तक, ये दो बैटरी वाला है। तो बाकी आप कॉल करके आप हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। तो इसका 1,000 रुपये जो है वो पहले ट्रांसफ़र करना पड़ता है इसको मंगाने के लिए। हमारे जो हमने पेटीएम नंबर दिया हुआ है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट सेंड करके, तो आप ये मंगा सकते हैं। और जो ये लेज़र लेवल है तो ये भी आप खरीद सकते हैं। तकरीबन 7,500 से 8,000 तक इसका प्राइस है। बाकी कॉल करके आप पूरी डिटेल इसके बारे में ले सकते हो, इसकी गारंटी वारंटी सब मिलेगा। तो दोनों की एक एक साल की जो है वो वारंटी है, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है आपको आने वाली। और 10 दिन का एक्सचेंज भी होता है, अगर 10 दिन में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक्सचेंज आप करवा सकते हैं, कोई आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और गारंटी वारंटी जो है वो पूरा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा निश्चिंत होकर आप इसको खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसे लगे ये हमारे प्रोडक्ट हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप ये ब्रेजर डायमंड व्हील खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे खरीद सकते हैं। जैसा कि ये 40 mm का है तो ये भी खरीद सकते हैं आप। इसका 200 रुपया कुरियर चार्जेस, 200, 250 या 300 जितना भी लगता है आपके एरिया में, तो वो आप अपना सिटी पिन कोड भेज के पता लगा सकते हैं। तो इसको आप घर पर मंगवा के बाकी का पेमेंट कुरियर वाले को दे सकते हैं। इसका एडवांस जो है वो कुरियर चार्जेस आपको पहले देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।